ये देखें, ये मरीख से आया हुआ एक अजूबा, ये आपने पहले थल जीप रैली में नहीं देखा होगा। जहाँ आपको हम थल जीप रैली की रैली दिखा रहे हैं, रेस दिखा रहे हैं, वहीं पे हम आपको दिखा रहे हैं ये एक अजूबा। ये एक अनोखा अजूबा। जिला लैया में थल जीप रैली स्टार्ट हो चुकी है और ये जिला लैया का इलाका चुबारा, जहाँ पे जीप रैली हो रही है। और ये भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। जी, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है और हम यहाँ 7th सीज़न थल जीप रैली को एंजॉय करने आए हैं। और आप जैसे मेरे अकब में देख सकते हैं, जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर टेंट लगाया हुआ है, सामने रॉयल कारपेट लगाया हुआ है और आज रात जो है हम यहाँ पर स्टे करने का इरादा रखते हैं। और इंशाल्लाह ये थल जीप रैली जो है 4 दिन तक चलेगी और लास्ट 2 डेज़ में यहाँ पर जीप रैली होगी और फर्स्ट 2 डेज़ में यहाँ पर कल्चरल इवेंट्स होंगे। तो उसके लिए ये भाई व्लॉग बना रहे थे, इन्होंने मुझे इनवाइट किया है। जी, तो जी, मैं जी, आपको ये बैक साइड पे भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे थल जीप रैली जो है ये इसका एंडिंग पॉइंट है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से। ये आप ट्रैक देख सकते हैं, ये ट्रैक है जी, ये बड़ी मेहनत से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और वर्कर्स ने मिलकर बनाया है और तकरीबन 15-20 दिन से हम इस काम में लगे हुए थे और आज इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से इसका इनॉग्रेशन हो गया। आप यहाँ पे पार्टिसिपेंट भी हैं? नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर विजिटर हैं और मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। अच्छा, मैनेजमेंट का हिस्सा हैं। तो ये मुजफ्फरगढ़ के किस इलाके से स्टार्ट हो रही है? ये मुजफ्फरगढ़ की तहसील और ज़िला मुजफ्फरगढ़ है और वहाँ पे हेड मोहम्मद वाला से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ तहसील चौबारा इसका एंडिंग पॉइंट है जी। अच्छा। तो यहाँ पे पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके से लोग आए हैं यहाँ पे, जो पार्टिसिपेंट्स हैं कौन कौन से इलाके से हैं यहाँ? जी, ये 7th सीज़न है तो पहले सीज़न में सिर्फ नेशनल लेवल के प्लेयर्स आते थे यहाँ पे, पार्टिसिपेंट्स आते थे। अब इस 7th सीज़न में 6th सीज़न में भी इंटरनेशनल लेवल के पार्टिसिपेंट थे। अब नेक्स्ट राउंड में हम इसको मजीद अपग्रेड करके इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह, मजीद प्लेयर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो सर, आप जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जीप रैली हो रही है हमारे इस इलाके में, एक तो पाकिस्तान का और फिर हमारा ये चुबारे का इलाका भी एक्सप्लोर हो रहा है जी, तो इसकी जो ये नेचुरल ब्यूटी है इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है? जी, इसकी नेचुरल ब्यूटी में यहाँ पे हमने इसके मिड पॉइंट में सफारी पार्क जो है वो वहाँ पे कायम किया है, जहाँ पे हमारे टूरिस्ट जो हैं, विजिटर्स हैं, उनको वहाँ पर एक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी
और यहाँ पे जो है हमने ये सोलर पावर प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, जी बिल्कुल हम ये देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत हर साल विजिटर्स आते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी। इंशाल्लाह मजीद यहाँ पर हम मजीद इसकी ये क्या, इसका रीजन क्या है, ये सोलर जो इतना बड़ा प्लांट लगा है इसका? जी ये सोलर पावर प्लांट जो है बेसिकली ये पावर जो है इसकी ये आगे सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और कुछ मिल फैक्ट्रीज जो है वो भी इसकी पावर से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। अरे वाह, तो ये क्या मतलब एक जिला को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? जी ये लैया को भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट झंग की तहसील शोरकोट को भी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अरे वाह व्यूअर्स, ये देखें अब आपको जिस तरह मैंने कहा कि हम यहाँ पे आए तो सीजन 7 थल जीप्रेली का व्लॉग बनाने, वहीं पे आपको मैंने कहा कि एक इसका नेचुरल ब्यूटी भी है और नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ जैसे हमें ये ब्यूटीफुल ब्रदर मिले हैं, इन्होंने हमारे साथ बड़ी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है। वो जो देख रहे हैं वो दूर जो आपको नज़र आ रहा है ये सोलर प्लांट लगा हुआ है, सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है और ये एक बहुत बड़ा एक ह्यूज प्रोजेक्ट है जो 2.5 मुरब्बा पर मुश्तमिल है और 2.5 मुरब्बा पे। हाँ जी, ये तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में इससे बड़ा कहीं जी, इससे बड़ा जो है वो भावलपुर में है, वो भी थर डेजर्ट में है। वहाँ पर भी जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो कायद आजम सोलर पावर प्रोजेक्ट के नाम से अच्छा, जाना इसका नाम क्या है इस प्रोजेक्ट का? जी इसका इस प्रोजेक्ट का नाम मुझे एज सच नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ। अच्छा फर्स्ट टाइम, आप बेसिकली किस? बेसिकली आई बिलोंग टू मुजफ्फरगढ़ और यहाँ पे क्योंकि पोस्टिंग है तो हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है तो यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं। ठीक, अच्छा मुजफ्फरगढ़ में भी इसी तरह के ही मनाजिर हैं जिस तरह? जी मुजफ्फरगढ़ का कुछ हिस्सा जो है इस थल जीप्रेली का हिस्सा है जो कि डेजर्ट पर मुश्तमिल है और ये चौबारा तहसील जो लैया की है इसका भी कुछ हिस्सा इस थल जीप्रेली का हिस्सा है। अरे वाह वाह वाह, जी थैंक यू सो मच, वेलकम, मोस्ट वेलकम, इट्स अ प्लेजर टू इंटरव्यू यू। आई होप सो व्यूअर्स को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ पाकिस्तानीज एंड हूएवर वाचिंग दिस वीडियो कि यहाँ पर आएँ विजिट करें, नेक्स्ट सीजन में आएँ, इस सीजन में आएँ, यहाँ पर बहुत सारी यू शुड हैव टू कम हेयर, यू शुड हैव टू कम हेयर, स्पेशली पाकिस्तानी जो हैं मीन्स के जो हमारे देखें नाज़रीन, आप जहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ को डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं तो हमारे नॉर्दर्न एरिया तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटीफुल है, अलग ब्यूटी है उनकी, जो है ये डेजर्ट की एक अलहदा ब्यूटी है, इसका एक अलहदा ही अट्रैक्शन है जी। और ये क्या बेहतरीन अंदाज में एक बेहतरीन हमारे भाई ने बेहतरीन अंदाज में इसको रिप्रेजेंट किया, व्यूअर्स के लिए बेनिफिशियल होगा, थैंक यू, इट विल बी इट मस्ट बी, थैंक्स अ लॉट ब्रो। चल जीप्रेली का सीजन 7 स्टार्ट हो चुका है, उसकी हम यहाँ पे व्लॉग बनाने आए हैं, तो व्लॉग बनाने के साथ साथ इससे पहले इतना खूबसूरत मंजर मैंने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। ये थल का डेजर्ट है, चुबारा चुबारे का इलाका और ये जो पीछे आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है ये चुबारा है और यहीं पे हो रही है थल जीप रैली। ये देखें नाजरीन किस कदर, ये सामने दूर तक ये नेचुरल व्यू है, ये नेचुरली ब्यूटी है इस इलाके की, ये डेजर्ट है, ये डेजर्ट है थल का और अपने अंदर बहुत सी खूबसूरती समेटे हुए और ये वसी व अरीज थल का ये डेजर्ट यहाँ पे और यहीं पे होती है थल जीप रैली भी। जी तो सुहेल आप क्या कहेंगे इस खूबसूरत इलाके के बारे में और जीप रैली के बारे में? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, आज मैं आपके साथ पहली दफ़ा आया हूँ, आप यहाँ पे पहली ही बार आए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। तो नाज़रीन आप भी यहाँ पर एक दफ़ा आए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जी। ये जो ये हमारी जो यहाँ पे ये आप डिस्कवर करते हैं दुनिया को तो आप इस इलाके को भी डिस्कवर करें। ये ज़िला लैया का, ज़िला लैया की तहसील चुबारा और यहाँ पे होती है थल जीप रैली जिसका सीज़न 7 स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं दुनिया के लोग आके इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं जी। तो अभी आपने कुछ मेहमान खसूसी थे प्रोग्राम के, उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया प्रोग्राम में और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसका इजहार किया कि वो खुश हैं इंतज़ामिया से जो उन्होंने इंतज़ाम किए हैं। इट्स अमेजिंग फॉर पाकिस्तान टू
ये एक हमारा एक किस्म का पसमानदा इलाका यही कहा जाएगा, लेकिन इसमें ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों को कि ये अब ये हमारा जो ये इलाका जहाँ पे पहले कभी शायद लोगों की ये तवज्जो का मरकज़ नहीं रहा, लेकिन जब से ये थल जीप रैली स्टार्ट हुई है ये एक नाम बन चुका है, ये एक ब्रांड बन चुका है थल जीप रैली। क्योंकि साफ जाहिर है जब आप एक ऐसा इवेंट इनकाद करवाएंगे, आप दुनिया जहान की मूवीज़ देखते हैं रेस कार रेसिंग की जो स्पेशली डेजर्ट में होती हैं और उनके बड़े थ्रिलिंग मोमेंट्स होते हैं, तो ऐसे ही थ्रिलिंग मोमेंट्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो व्यूअर्स जो जो मेरे देखने वाले हैं पाकिस्तान में क्या दुनिया में हमें जहाँ पे भी हैं, इस सीज़न तो शायद आप ना देख पाएँ, अगर पाकिस्तान में हैं मीन्स के हमारे बड़े सिटीज़ के लोग, तो वो आए यहाँ आकर देखें कि ये जो थल जीप रैली है ये एक ह्यूज इवेंट है। इट्स नॉट ए नॉर्मल जीप रैली, इट्स ए वेरी मेगा प्रोजेक्ट मेगा जीप रैली। और इसमें एक और बात मैं ऐड करूँगा, सिर्फ ये जीप रैली नहीं है, यहाँ पे एक और चीज़ का भी इजाफा हुआ है कि यहाँ पे लकी ईरानी सर्कस भी आई है। तो ये लोगों की अट्रैक्शन का बाइस है और लोग यहाँ पर आके इंटरटेन होते हैं क्योंकि ये इंतहाई खूबसूरत जगह है। फिर तो जब मेरी बारी है कि तूने कहना बस यार चलें चलें बस बन गई जल्दी कर अभी ये क्या कर रहे हैं कुछ तो कर रहे हैं ये अभी मेरे ख्याल ये चलता रहेगा काम। हाँ हाँ इंटरव्यू लेंगे क्या फिर क्या कह रहे हैं मैंने कहा है जैसे यहाँ पे मनाजिर दिखाई दे रहे हैं तो सेम जो है ना ऐसा ही मंजर मरीख सियारे पर भी होता है। क्या ऐसा है क्या क्या कह रहे हैं सहेल मैंने कहा है जैसे यहाँ पे मनाजिर नजर आ रहे हैं सेम ऐसे जो है मरीख सियारे पे भी ऐसी नजर आते हैं मनाजिर। नाज़रीन ये देखें ये हमारे सुहेल कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं नेट पे तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है मंदिर। ये हमारे सुहेल जिनका ताल्लुक नासा से है जिनका ताल्लुक नासा से है लेकिन ये प्यारे मरीख से भी होकर आ चुके हैं। नहीं वो कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं तो वीडियोस में बिल्कुल सेम ऐसे ही मंजर नज़र आ रहा है बिल्कुल ऐसा ही मंजर नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ पे आवाम नजर आ रही है लेकिन वहाँ पे कोई आवाम नहीं है बस वहाँ पे आप सिर्फ ऐसे सैंडियम नजर आ रहे हैं वहाँ से हमारे अकेले सिर्फ। अब मुझे अब शक हो रहा है कि जो फलाई मखलूक का यहाँ पाकिस्तान में जिक्र होता है कि फलाई मखलूक फला काम करे फलाई मखलूक यही तो नहीं है वो यही तो नहीं है नहीं नहीं लेकिन नाज़रीन हमें फलाई मखलूक मिल चुकी है जो कि मरीख का विजिट करके आ चुकी है और बता रही है कि मरीख पे भी ऐसे हसीन व जमील मनाज़िर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये देखें नाज़रीन ये देखें ये मरीख से आया हुआ एक अजूबा ये आपने पहले थल जीप रैली में नहीं देखा होगा। जहाँ आपको हम थल जीप रैली की रैली दिखा रहे हैं रेस दिखा रहे हैं वहीं पे हम आपको दिखा रहे हैं ये एक अजूबा ये एक अनोखा अजूबा जो कि अभी आपको अपनी शक्ति पावर दिखा रहे थे। मिल गया फलाई मखलूक हर बर 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 हर हर बर बर ओ हर बर बर फुल आप भी फलाई मखलूक नहीं हम आपकी तरह नहीं ये असल अच्छा मरीख को कौन सी जुबान बोली जाती है जरा बोल के दिखाएं नाज़रीन ये देखें आप हरा भरा 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 ये
यार ये आ गए यार, अभी नहीं यार, ये आ गए। यार ये आंखें व्यूअर, जहाँ मैंने आपको दिखाया एक डिजर्ट और यहाँ पे हो रही है सीजन सेवन जी प्रैली का सीजन सेवन यहाँ पे चल रहा है और हमें एक अजूबा मिला है जिसका कहना है कि ये मरीख से यहाँ पर आया है।